Hello everyone, welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today in this lecture we're going to study about document control. So इसका first part we have already covered जिसमें हम लोगों ने quality system के बारे में पढ़ा था. So ये उस topic का second part है that is document control. So ये topic एक vast topic है food interview training के लिए. इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इंटरव्यू के टाइम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिए. तो पहला आता है डॉक्यूमेंट कंट्रोल. एक डॉक्यूमेंट कंट्रोल क्या होता है, तो अगर मैं अपनी लैंग्वेज में पहले समझाती हूँ कि जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल है किसी भी फूड इंडस्ट्री का, तो एक ये प्रोसेस है ऑफ मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग ऑल फूड सेफ्टी सिस्टम. मैं लिख देती हूँ कि ये एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग ऑल फूड सेफ्टी सिस्टम. फूड सेफ्टी सिस्टम में क्या आता है, डॉक्यूमेंटेशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर्स. मतलब कि एक ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप मेंटेन करते हो कि जो भी फूड सेफ्टी से रिलेटेड प्रोसेसेस होगा, जो भी फूड सेफ्टी से रिलेटेड मतलब डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आप कैसे मेंटेन कर सकते हो. अल्टीमेटली इसका मेन वर्क क्या होता है कि कैसे आप फूड की क्वालिटी को मेंटेन करते हो, क्या क्या उसमें चीज़ें रहती हैं. ठीक है, so this comes under document control. So the control of all the document within food safety and quality system for both external and internal use is an important to ensure all staff constantly apply the correct and up to the date procedure. Then comes these document may include policies, procedure, work infrastructures and instructions required, forms, specification and data list and any information that is written down and defined. So जो document control है इसका third point है कि the requirement for the document control applies to both hard copies that is paper documents and electronic documents within a food safety and quality system. तो जो document control है, जब भी हम within a food safety की बात करें या quality system की बात करें तो इसमें दोनों चीज़ आती हैं, external और internal use आता है. ठीक है, अब ये document control इतना useful क्यों है, इतना important क्यों है किसी भी food industry के लिए. So जो document control है ये ensure करता है एक proper management को, एक रिवीजन कंट्रोल को इंश्योर करता है, एक प्रोसेस ऑटोमेशन को इंश्योर करता है, और जितनी भी फूड में सेफ्टी क्वालिटी प्रोग्राम हैं उनको कंट्रोल करता है. सो दैट इज़ द रीज़न डॉक्यूमेंट कंट्रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझें कि डॉक्यूमेंट कंट्रोल क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये भी है कि डॉक्यूमेंट कंट्रोल एक सीरीज़ ऑफ प्रैक्टिसेस है जो इंश्योर करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो क्रिएट हुए हैं, जो रिव्यू हो रहे हैं या जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या डिस्पोज हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक वेरीफाइड मैनर में हो रहे हैं. तो इसलिए डॉक्यूमेंट कंट्रोल इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट. Now coming to the next requirement of the BRC global standard for food safety. अब जो भी हमारा requirement है BRC के तो क्या है. The first is the company shall have a procedure to manage documents which form a part of the food safety and quality system. This shall include a list of all the control documents indicating the latest version number. Second, the method for identification and authorization of control documents. Third is record a reason for any changes or amendment to the document. And the last is the system for the replacement of existing documents when these are updated. So क्या क्या requirements हैं कि जो भी एक मतलब एक list होनी चाहिए जिसमें आप latest version of numbers उसमें indicate करोगे कि कौन कौन से control documents controls use हुए हैं. सेकेंड है कौन कौन से मेथड यूज्ड हुए हैं किसी भी आइडेंटिफिकेशन के लिए और ऑथराइजेशन के लिए. सेकेंड है कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस करने हैं या कुछ उसमें अमेंडमेंट करने हैं डॉक्यूमेंट्स में तो उसका रीज़न होना चाहिए, उस रीज़न को कैसे मतलब उस रीज़न का रिकॉर्ड होना चाहिए. एंड द लास्ट इज़ जो भी सिस्टम है अगर उसमें कुछ आप रिप्लेसमेंट करते हो जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें कोई भी चीज़ की रिप्लेसमेंट हो रही है तो वो भी अब डॉक्यूमेंट में अपडेट हो जाए. देन कम्स व्हाट इज़ द एम ऑफ डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्रोसीजर. अब बेसिकली स्टूडेंट्स आता है कि जो भी डॉक्यूमेंट कंट्रोल है उसका मेन एम क्या है. सो द फर्स्ट इज़ द डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट अप टू डेट. तो जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें यूज़ हो रहे हैं वो अप टू डेट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बीच में डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, नहीं. डॉक्यूमेंट शुड बी मेंटेन इन अ वेरी फाइन मैनर, राइट. देन कम्स ऑल स्टाफ्स आर वर्किंग विद इन अ रेलिवेंट वर्जन. थर्ड पॉइंट सेज द पोटेंशियल फॉर मिस्टेक्स कॉज्ड बाय मल्टीपल वर्जन्स ऑफ डॉक्यूमेंट इज मिनिमाइज्ड. अगेन बार बार एक ही चीज़ की मिस्टेक हो रही है तो उस चीज़ को मिनिमाइज करना है. फोर्थ इज इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन अ कॉन्स्टेंट फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय द इंटेंट ऑडियंस. एंड द लास्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स आर रिटेन्ड दैट कुड हेल्प टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ अ नॉन कॉन्फर्मेटरी. सो दीज आर सर्टेन एम्स ऑन विच the document control procedure works. Now comes the next, how to put a document control procedure in place. तो कैसे किसी भी एक document control procedure को एक place में रखते हैं. The first is your site must have a documented procedure that describe how documents are controlled and managed. ठीक है, क्यों आपको पता होना चाहिए कि कोई भी document system है तो कैसे वो मैनेज हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए. द फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम दैट इज हु इज ऑथराइज्ड टू इशू और अमेंड द डॉक्यूमेंट्स. जो मतलब कि इंडिविजुअल है उसको उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि जो मैनेजमेंट सिस्टम को पूरा मैनेज करो जो रिस्पॉन्सिबल है. सेकेंड है लिस्ट ऑफ ऑल द रिकॉर्ड कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट्स. जो भी कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए. सेकेंड है मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट्स. कौन कौन से मेथड यूज़ हुए हैं मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स वो पता होना चाहिए. देन रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द रीज़न फॉर एनी चेंजेस. जैसे हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि कोई भी चेंजेस हैं तो उसका रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन. एंड द लास्ट इज मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड रिप्लेसिंग एनी डॉक्यूमेंट. कि आप कोई भी मेथड को रिप्लेस कर रहे हो कोई डॉक्यूमेंट को रिप्लेस कर रहे हो तो उस डॉक्यूमेंट को क्यों रिप्लेस कर रहे हो तो वो सारी भी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. Now comes the list of documentation documents. कौन कौन सी list what are the list that comes under this. The first is your site needs a list of all the documents within the food safety and quality system and typically this will include the document identification or number, The standard doesn't set out how you should identify a document, but an example format would be using a subsequently numbered documents or the use of the initial letter. Document title: a concise title clearly explaining the purpose or the content of the document. For example, मेटल डिटेक्टर procedure. ठीक है, तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन और नंबर, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आता है. सेकंड आता है डॉक्यूमेंट टाइटल, मतलब कोई भी प्रोसीजर क्यों यूज़ हो रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर मेटल डिटेक्टर चेक है तो वो क्यों यूज़ हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए. तो देन ये आता है अंडर द डॉक्यूमेंट टाइटल. थर्ड इज़ द करंट इशू और वर्जन नंबर. जो करंट इशू है, क्या वर्जन नंबर है, वो पता होना चाहिए. मीन्स ईच टाइम द डॉक्यूमेंट इज़ अपडेटेड, अमेंडेड और रिप्लेस्ड, अ न्यू वर्जन नंबर शुड बी यूज्ड. इशू डेट: the date when the current version of the document first came into the force. तो जब भी कोई आप नया document use कर रहे हो तो उसकी क्या issue date है, that should be known. Then the withdrawal date, अगर जिस date पे उस document को replace कर रहे हो, हटा रहे हो, उसकी क्या withdrawal date है. Then the review date, अगर इफ़ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट में रिक्वायर अ पीरियोडिक रिव्यू टू इंश्योर द इंफॉर्मेशन रिमेन एप्लीकेबल एंड अप टू द डेट. मतलब रिव्यू कि आप उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर रहे हो, मतलब उसको चेक कर रहे हो कि कोई इस डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस तो नहीं है, ये डॉक्यूमेंट कोई रिप्लेस तो नहीं हो रहा है. देन लास्ट इज़ द एलोकेशन ऑफ कंट्रोल कॉपीज, दैट इज़ हु हैज़ अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट. ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंडर आता है. देन कम्स द आइडेंटिफिकेशंस एंड ऑथराइजेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स. हाउ टू आइडेंटिफाई. द फर्स्ट इज़ डॉक्यूमेंट रेफरेंस. अपना डॉक्यूमेंटेशन को कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो या आइडेंटिफाई कर सकते हो. द फर्स्ट इज़ डॉक्यूमेंट रेफरेंस. सेकेंड है इशू और वर्जन नंबर. थर्ड इज़ द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट. फोर्थ इज़ डेट ऑफ इशू एंड द लास्ट इज़ पेज नंबर एंड टोटल पेजेस. तो ये सारी चीज़ें आती हैं अंडर द आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. देन कम्स द मेकिंग चेंजेस टू योर डॉक्यूमेंट. अब जैसे अभी हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि हम चेंजेस भी कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो उन चेंजेस को कैसे कर सकते हैं. सो व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज़ चेंज्ड, यू विल नीड टू मेक अ नोट ऑफ द चेंज एंड अ रीज़न फॉर इट. यू कैन डू दिस बाय, सबसे पहले कि कोई भी जब भी डॉक्यूमेंट में चेंज करो तो आप उसमें मेंशन करो व्हाई यू आर चेंजिंग दिस डॉक्यूमेंट, क्या रीज़न है. तो उस रीज़न को आपको नोट करके दिखाना है. कैसे कर सकते हो. फर्स्ट इज़ कीपिंग अ कॉपी ऑफ द प्रीवियस वर्जन विद द रीज़न फॉर चेंज रिटन ऑन इट. ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट है कैसे कि कॉपी ऑफ, कीपिंग अ कॉपी ऑफ द प्रीवियस वर्जन. जो प्रीवियस वर्जन है उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए. ठीक है, और आपको उस पे लिखना है कि क्या वजह है कि आप इस वर्जन को चेंज कर रहे हो. सेकेंड है कीपिंग द हिस्ट्री एंड अमेंडमेंट ब्लॉक विद इन ईच डॉक्यूमेंट. हर एक डॉक्यूमेंट के साथ उसकी एक हिस्ट्री को रखना इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट. सो बाय दिस यू कैन मेक चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट्स. सो एज फार एज दिस लेक्चर इज़ कंसर्न, there are very few questions that can be asked in the examination or in the interview. First, they can ask you about defined control, document control, why it is important, what on which principle document control works. Take care. What is the basic aim of control document procedure? Basic aim क्या है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं. एक जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछते हैं इंटरव्यू में कि नेम एनी 2 और 3 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. फिर जो मेन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है तो वो होता है कि हाउ यू कैन मेक चेंजेस टू योर डॉक्यूमेंट्स, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कैसे कोई चेंजेस बना सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। So thank you students, this is all about the lecture. Again student, if you have any problem in any point, you can simply drop your questions in the comment section below. In the next class, I will be going to answer all the queries. Till then, you can subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. This is our helpline number. You can call on this number and you can take information on any topic. So by the time students, thank you for watching. Please don't forget to subscribe ITLS Academy. And lastly students, please like, share and subscribe. Why I am saying don't forget to subscribe, because by subscribing you can get the latest lectures on the various topics. Okay students, thank you.